तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब द बॉयज का सीजन 4 का ट्रेलर आ चुका है और भाई साहब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, क्योंकि इसके लिए लिटरली वेट रहता है। एक ऐसी चीज ये लोग दिखाते हैं और इस वेब सीरीज का ये की पॉइंट मुझे बहुत पसंद आता है कि भाई साहब जो सुपर हीरोज आपके होते हैं वो भी एक इंसान ही होते हैं, इंसानी जीवन जीते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ वो जीते हैं। जो इंसान में डार्क रियलिटीज एंड पॉजिटिविटीज होती है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिविटी दोनों का कॉम्बो होता है, एक ह्यूमन बींग वही ह्यूमन बींग वो सुपर हीरो भी बना है। बस बात यह है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर है जिनकी वजह से वो एक ऑर्डिनरी गाय ना होके थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करता है। लेकिन भाई थिंकिंग लेवल, खाना पीना, ऑर्डिनरी लाइफ एंड वो सारे थॉट प्रोसेस वो भी एक ह्यूमन की तरह ही सोचते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भाई सुपर हीरोज को देखने का एंगल जो मार्वल एंड डीसी वालों ने सेट करके रखा था कि एज भगवान के रूप में दिखाया जाता है, एज लॉर्ड के रूप में दिखाया जाता है कि वो जो है वो बिल्कुल प्योर सोल है और क्या कहते हैं मतलब उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करा जाए क्योंकि वो हमारी हमें सेव करते हैं, हमें ये बचाते हैं। तो लेकिन द बॉयज में भाई ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है वो बचाते हैं, उनकी एक ड्यूटी है, लेकिन वो उनके अंदर भी एक वो डार्क रियलिटी है जो वाकई में सुपर हीरोज का हैवान ज़्यादा है, जो अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई इसके तहत हमसे कोई बोल नहीं सकता। इट मीन्स ये कि ये तो वही बात होगी आजकल जो भी जिसके पास पावर है, और ये कलयुग है भाई, जिसके पास पावर है वो फ़ायदा उठाता है। वेब सीरीज आ रही है 13th of June को, भाई डेट नोट करके रख लेना, रिमाइंडर सेट कर लेना, 13th of June को सिद्धा बॉयज का सीजन 4 हमें देखने को मिल जाएगा। भाई बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बिल्ली द बूचर अपना भाई अपग्रेडेड बंदा, ये फिर से वही स्टाइल में देखने को मिल रहा है और इस बंदे को आग है भाई, सुपर हीरोज से पंगा लेने की आग है, मतलब वो सारी चीज़ें जो उसे लग रहा है कि ये ना मुझे ख़त्म कर सकती है, लेकिन फिर भी उसकी गांड में वो आग है। देन उसके बाद होमलैंडर ऑल्सो लुकिंग वेरी सैवेज एंड फकिंग ब्रूटल, भाई बहुत ही दमदार एक रहे। अब तो उसके साथ उसका खुद का बेटा भी आ गया है, उसकी पार्टी को उसको ज्वाइन कर लिया है और उसकी एक झलक वो देखने को मिली। उसके बेटे ने जैसे ही किसी को उठा के फेंकने की हल्का सा धक्का देने की कोशिश करी, लेकिन वो दीवार पे जाके थप चिपक गया, जैसे हम टमाटर मारते हैं और टमाटर का पूरा लाल कैचअप बाहर निकल के आ जाता है, और वैसे ही वो इंसान फटते नजर आया है। एंड भी बहुत से सुपर हीरोज और भी अनाउंस करे गए हैं, भाई वो बच्ची जो अजीब ही मुंह से कुछ निकल रहा है, मुर्गी भाई जानवर तक को नहीं बख्शा इस बार, जानवर में मुर्गी को भी सूप्स दिखाया जा रहा है। देन उसके बाद वो ये भेड़ बकरियाँ उड़ रही हैं और वो भेड़ बकरियाँ कोई ऑर्डिनरी नहीं है, सैविज, वो भाई खून खराबा पे उतर आई हैं, बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी देखने को मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस एंड खून खराबा तो इसमें था ही था, लेकिन इस बार भाई ट्रेलर में भी हद कर दी, ट्रेलर में ही बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, पाँव को ऐसे रेता जा रहा है, मतलब क्लोज शॉट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, तो भाई खून खराबा तो देखने को मिलने वाला है। देन उसके बाद भाई बिल्ली द बूचर तैयार है किसके लिए, सुपर हीरोज का नाश करने के लिए, उसे एक वायरस मिल चुका है, सुपर हीरोज की ये धज्जा उड़ा देगा इस बार बिल्ली द बूचर। जैसे बिल्ली द बूचर भाई सुपर हीरोज का खात्मा जब तक करेगा नहीं तब तक रोकेगा नहीं। स्टारलाइट ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल भाई, इसके लिए वेट है। देन उसके बाद किमिको माया भाई ऑल्सो लुकिंग वेरी अपग्रेडेड एंड उसके साथ जो वो बंदा है भाई, इन दोनों की जोड़ी देखने में मजा आ जाता है। तो फिलहाल इस सीजन के लिए भाई बहुत वेट है, ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, अगर आपने इससे पहले के सीजन्स नहीं देखे तो वो भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भाई फाइन 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 वेब सीरीज है, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करके जाएगी। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वाला वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।